भुजा ने लिख दिया कि हे देवी ये साधारण तपसी नहीं है, ये स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद वेद स्वरूप राम है और ये पृथ्वी का भार हरण करने को आए हैं। नरदेई धर के मोए उन्होंने इस तरह से मार दिया। दोस्तों जो इतने वचन सुने पढ़े हालत खराब हो गई सुलोचना की। आर पढ़ सारो ये हाल करो मन ख्याल है करा लियो, मारे प्रभु ने लूट सुहागरे राखा लो हाय लो लियो। अब क्या होगा, मेरे मेटे ने हृदय के दाग फूटिए भाग ही सका कियो प्रभु ने का कियो। कैसी जवानी कटिए रे फटो जाए भैया ही यो, अरे कर ख्याल फटी जाए भैया तानी। अरे कर ख्याल रे फटी जाए भैया तानी, अरे तानी सानी तानी। हालत खराब हो गई सुलोचना की, आज पति की भुजा को छाती से लगा करके बिलक बिलक के रोने लगी और सोचने लगी कि अब शीश भी यहां है नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। अरे भारी करे बिलाप भवन में नारी, रखना दोस्तों
सिलोचना जमीन पर पछाड़ के आगे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। तब तक उसकी सखी आ गई और कहने लगी, अरे रहन रानी साहिबा, थोड़ा तसल्ली और हिम्मत से काम लो। तुम तो मूर्छित हो गई जब बुधा को लेकर, तुम्हें आगे भी कुछ और करना है। भक्तों, जो सखी के वचन सुने सुन गुइया के बैन, खोल दो नैन होश में आई। फिर लख बालम की भुजारे के गिरी है गसे खाई। दोस्तों, कुछ होश में आई, लेकिन जो भुजा को देखा है तो सुलोचना फिर जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। गिरी गस खाई यार, गस खाई दादा, गस खाई। लखन के बालम की भुजारे गिरी आई गस खाई। अरे देव की ये भैबी इंद्र लोकी की, न तेरा लगाई न तेरा लगाई। दोस्तों, सोचने लगी, हमारे पति ने एक बार देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया, इतने बलवान थे, लेकिन आज ऐसे नाथ की मौत आई तो समर में क्या नहीं था मेरे पास मेरे पति के कारण। अरे सुरपति भरते जल झारी, अरे चांदा सूरज की उजियारी, सदा उजियारी रे मित्र उजियारी। अरे पीसती पर मात्र बिचारी, कि चंद्रमा सूरज मेरे पति के बिना इशारे के उदय नहीं हो सकते थे। राजा इंद्र पानी भरता था और पवन बुहारी लगाता था, वे माता पीछा करती थी। कैसे बांधू सबर बंद सब देवन की छूटी, और बिन बालम के आज ससुर की लंका आई टूटी। समर में जूझ गए सैया, अरे फूट गई तकदीर हमारी, कौन गए भैया। बलम की शक्ति ने भाई रे, बलम की शक्ति ने भाई, और इंद्र देवलियो पकड़ पेश नहीं देवन की जाई। नारी हिलकी भर रोए गई है रे, नारी हिलकी भर रोए गई है, और करके पिछली आज बलम के प्रेम में खोई गई है। अब सब देवतन की छुट्टी हो गई, अब कोई यहां पर न बुहारी लगाने आएगा और न कोई यहां पर पीसने आएगा। दोस्तों,
क्या करूं, सोचने लगी। अब तो सती होना है। कंचन के बन रहे भवन दूर से चमके, लग रहे मड़क के देर भान बस दमके। महाराज यही सोच रही कि सामान से बहुत थे यहां पर इकट्ठे हुए, लेकिन बालम के बिना ये सब फीके लग रहे हैं जैसे सोने की लंका। अब मुझे खाने को दौड़ रही, लेकिन पति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए सिलोचना सोचने लगी हमें कुछ दान करना चाहिए, जब महल की सारी दौलत अब तो बेकार है। तो भक्तों ध्यान रखना, सुवरन सिंह मड़ाए दूध की गाय दान कर डारी, सब रहे तमाशो देख नगर के नर नारी। सिलोचना के रुदन से अरे रो में सब कोई लमे ना, अरे कहां चल भाई छोड़ के बहना, समय इसने सुंदर डोली मंगाई उस समय यहां तक कवि ने लिखा है कि कोयल और मैना सारस की जोड़ी और तोता तक रोने लगे और कहने लगे बहन तुम महल को छोड़ के कहां जा रही हो। जब पक्षियों की आवाज सुनी तो सिलोचना क्या कह रही है, दिल आबे वहां निवास करो तुम बाग बगीचन में डोलो, मैं पति के संग सती हुई रही दुखिया के दुख में मन बोलो, पति के संग सती तो हो करके मैं अपने प्राण गवाऊंगी, अरे। सिलोचना ने पक्षियों को आदेश दिया अब तुम्हारा जहां दिल हो वहां डोलो, क्योंकि मैं तो पति के साथ सती होने जा रही हूं, अब तो मैं स्वर्ग में ही बास बनाऊंगी। दोस्तों ध्यान रखना, आज डोला को लेकर यह सिलोचना रावण के दरबार के लिए चली। जिस समय रावण के दरबार के सामने डोला पहुंचा, रोई की बोली ना ससुर जी तुमने जुबा डल पारो
चुका है, संसार में अंधेरा हो चुका है। रावण कहने लगा, बहू मेरा बेटा मेघनाद मारा गया, लेकिन तुम चिंता न करो, सुबह के युद्ध में हम दोनों तपस्वियों को कच्चा खा जाऊंगा। सुलोचना कहने लगी, ससुर साहब शीश मंगाई दे पिया को, मैं यही आजू लेके आई हूं ससुर साहब, शीश मंगाई दे बलम को, मैं सती हुई जाए शीश मंगाई बलम को, निवेदन है मेरा, आप शीश मंगा करके नारियल इकट्ठा कीजिए और मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। भक्तों जी इतने वचन सुने, सुन वचन जलियो रावण रे के को दूर में छायो, सोच मत दिल में करे महान,
मोह तोर मैं देऊं को नाम निशान सवेरे तो तपसिन को मारूंगो पेशा को बदलो ले सवेरे तो तपसिन को मारूंगो बेटा को बदलो ले सवेरे दशरथ के पुत्र हैं दोनों का वध कर दूंगा और बेटी मैं यह भी बता दूं कि भाई हमसे कहो कि मैं दुश्मन के पास जाकर के पुत्र का शीश मांगूं यह असंभव है समझ गई है सिलोचना कि यहां से कोई कामयाबी नहीं मिलेगी ध्यान रखना दोस्तों जिस समय दशानन ने खुले शब्दों में कह दिया कि मैं नहीं जा सकता सिलोचना निराश हो गई सिलोचना डोला में सवार हुई चली नांग की लली सासु ढग आई जन मंदोदर बैठी यार रे आंगन में पंचो पाई आज अपनी सास मंदोदरी के पास आ गई आज मंदोदरी के पैर पकड़ के सिलोचना बोली अरे करे कौन की आसु बता दे सासु बलम बलदारी बलम बलदारी गौ बीच समर में जूझ रे के लला तेरो सुखदाई सिर गयो राम चरण में और भुजा गिरी यार आंगन में और धड़प लखी पिया को मैया रन में रन में रन में रन में करके भगवान के चरणों में जाके गिरा है और भुजा आंगन में गिरी है मेरे पति की लाश हरण में बिलख रही है मेरे बदन में आग लग रही भक्तों जो मंदोदरी ने ये सुना एकदम से मंदोदरी अपने पेट को पकड़ के चीख पड़ी नहीं लेकिन सिलोचना कहने लगी मां बिलखने से कुछ नहीं होगा खेल तो बिगड़ चुका है दोस्तों रो करके बोली सास अब तो मेरा जीवन बिल्कुल निरर्थक हो चुका है अब जग जीवन नाए भाई मेरी ग्वारी उखरे न दूध के दांत उमर मेरी मारी करो अभिमान बड़ो भारी अरे मंदोदरी घबरानी
लला मिले मेहनत से पालो ओ लक्ष्मण तूने मेघनाथ मेरो धोखे में मारो लड़ा को बहुअर को दियो और कर बेटा की याद फटो जावे मैया को ही हो लड़ा को बहुअर को दियो बड़े याद रखना दोस्तों जिस समय सुलोचना की बात को सुना है मंदोदरी ने तो आज मंदोदरी का हृदय कांप गया। उसी समय मंदोदरी से सुलोचना कहने लगी कि मैया अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ मेरी एक आशा को पूर्ण कर दो। मां कौन सी आशा? जवाब दिया मुझे किसी तरह शीश मंगवा दीजिए क्योंकि वो शीश भगवान रघुवर के चरणों में जाके गिरा है। मंदोदरी कहने लगी बेटी यहां का तो कोई नहीं जाएगा, तुम चली जाओ, भगवान तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, वो जरूर मेरे बेटे का शीश तुम्हें अर्पित कर देंगे। दोस्तों जब इतने वचन सुने हैं फौरन सवार हुई है डोली में, और जिस समय यह डोली पहुंची है नजदीक, डोली को देख करके जितने भालू कब थे वो प्रसन्न हो गए, वो कहने लगे कि जब मेघनाथ मारा गया तो रावण डर गया और मातेश्वरी सीता का डोला आ रहा है। राम के पास गए और कहा कि महाराज अब खून खराबे भी बंद हो गया, लंकापत इतना भयभीत हो गया कि डोला आ रहा है। भगवान मुस्कराने लगे और कहने लगे ठहर जाओ, डोला किसका है बाद में पता लगेगा। भक्त आकर के डोला सामने जो आया है तो जमीन पर रख लिया गया। सुलोचना उसमें से निकली, जो सुलोचना को देखा अरे हंस गए प्रभु अंतरयामी, मानो दोनों लालची लोचन तृप्त हो गए हो। अरे दूर ते शीश झुकाएगी सुलोचना बैठ गई रे भैराई, अरे विभीषण की तरफ जब निगाह बन करके दो है ससुरा को शीश झुकाई, दुख भरी आबाद विभीषण योद्धा ने पहचानी रे, मन शर्मिंदा भयो। जब विभीषण ने देखा है अपने भतीजे की बहू को, मन शर्मिंदा भयो, जोर कर हर से बोलो पानी रे, अरे मेघनाथ की नार शरण में आई गई नाथ भवानी रे, बीबी सर कहने लगा महाराज ये मेघनाथ की रानी तुम्हारी शरण में आई है और ये सतवंती सच्ची सती है, नांग की जाई है और कर्म की गति तो महाराज मिट नहीं सकती, और ये जो यहां पधारी है मैं ये भी बता रहा हूं कि महाराज जाकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो चुकी है,
और अबला आज बहुत ज्यादा दुखी और अपनी लाज की भीख मांगने आई है। भक्तों, इतने वचन जो सुने हैं तो भगवान राम ने बड़ा आदर देके कहा, देवी आज तुम कैसी आई हो? तो भक्तों आंखों में आंसू भर के सिलोचना कहने लगी, अरे उड़ी भुजा बलम की दाई और वो आंगन में गिरिए भैराई, अरे सब मेहमान लिख के बताई, सकत नए गाई छे दीनानाथ, जो मेरे पति का वध किया है और भी ये भुजा आंगन में जाकर के गिरी है, इस भुजा ने लिख करके मुझे सब कुछ बताया और ये भी बता दिया कि आप वेद स्वरूप भगवान हैं। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, देवी फिर कहना क्या चाहती हो? तो रो करके बोली, मांगू गोद पसार भी कदे डारे आस कर आई, मोय समझ भिकारिन देवरे के आज भी करा घुराई, कृपा करी जगदीश पति को शीश देवरा घुराई, पकड़ाई मैं संग सती है जाऊं पति ले पाई, मैं संग सती है जाऊं गति ले पाई, महाराज और मैं कुछ नहीं चाहती हूं, मैं अपने प्राणेश्वर का शीश मांगने के लिए आई। भगवान कहने लगे, देवी शीश मांगने के लिए आई हो? क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं रहा जो यहां आता? सिलोचना आंखों में आंसू भर के कहने लगी, नाथ जो मर्द साथ तो छीन लिया तुमने, जो है जीवन दान आज भगवान हाय दो डरेगो, वे इन्हीं से संग्राम तो आय की करे वो, महाराज शीश मोई जलती दियो गहाई, लंका पत के यहां के मर्द को रहो तो प्रभु अब लंका पति के यहां कोई जवान नहीं है जो तुमसे आकर के संग्राम करे, आप हमारे पति के शीश को दे दीजिए। भक्तों ध्यान रखना, जो इतने वचन सुने हैं, भगवान मुस्कराने लगे और कहने लगे कि ठीक है, अगर देवी तुम शीश मांगने आई हो तो मैं शीश तुम्हें अवश्य दूंगा। भक्तों रो करके कहने लगी, महाराज योगी जन विद्वान धरे नित ध्यान समाधि लगावे, तन सर्दी गर्मी सहे महा दुख पावे, मैं धन्य हो गई। सिलोचना बोली, जिनका ध्यान बड़े बड़े तपसी रखते हैं और प्रभु दर्शन नहीं देते, अरे उन हर के खरी अंगारी, अरे जो है अरे अपरम पारी, सिलोचना के जब सुने महावचन गम लगे रघुवीर,
कहने लगे सुग्रीव से, कब राज हमारी आज्ञा से सिर मेघनाथ का लाओगे, पतिव्रता सिलोचन नारी कोई सके कर अभी गहाओगे। हर की बानी कभी राज सुनी अरसा नहीं जरा लगाया है, लैसी ससुर का नारी के जत हाथन बीत गहाया है। भक्तों जिस समय शीश दिया और जो सुलोचना ने पति का शीश देखा, लख शीश सिलोचन नारी के जल आंखन में भर आया है। आज भक्तों जिस समय अपने पिया का शीश देखा, सुलोचना नारी की आंखों में आंसू आ गए और सभी भाल कब देख रहे हैं। लख शीश पिया का हाय हाय आंखन में आंसू भर आया, प्रथम धूल झारी मस्तक से उसको लगवाया। आज वो शीश उसने अपने माथे से लगाया, अपनी चादर से धूल झाली। भक्तों एकदम से बारंबार प्रणाम करके वंदना करती है और कहने लगी कि महाराज मैं तुम्हें सर झुका रही हूं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इतने जो वचन सुने हैं तो सभी बंदर भालू उसके चेहरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि ये क्या कह रही है नारी, ये बता रही कि भुजा ने लिखा। अरे भुजा भला कैसे लिख सकती है। एकदम से एक भालू कहने लगा कि यह सब राक्षसों का नाटक है, अगर भुजा ने यह सारी तहरीर उसको लिख के बताई तो मुझे यकीन तब होगा कि इसका सर जो इसकी गोद में है वो मुस्करा दे। ऐसी अनहोनी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। भगवान मुस्करा के कहने लगे, हे कभी भाल तुम नहीं जानते ये औरत पतिव्रता है और पतिव्रता चाहे वही कर सकती है। तो एकदम से जामवंत कहने लगे, महाराज ये कटा हुआ सर भी हंस सकता है। सुलोचना उनकी बातें सुन रही थी और कहने लगी, हे कपिभाल तुम नहीं जानते कि मेरे पति मरे नहीं, मेरी आंखों में जिंदा है। एकदम से नील खड़ा होकर कहने लगा, तो क्या ये कटा हुआ सर हंस सकता है। तो कहने लगी, हां ठीक है जरा हमें हंसा करके दिखाओ। सिलोचना ने शीश वीर जब छाती तलो तो लगाई रे, कहने लगी एक
एकदम से लोचना कहने लगी, लक्ष्मण तुम हंस रहे हो और तुम इसलिए हंस रहे हो कि तुमने हमारे पति का वध किया, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी कि तुम मेरे पति को मार लेती, लेकिन उधर उर्मिला शक्ति है जो अयोध्या में समय बिताती है, तुम जंगल में तो भटक रहे वो पतिव्रत धर्म निभाती है। दूसरी सती है लंका में जो सीता मात कहाती है, इधर तो दो शक्ति लक्ष्मण ही है अकेली सिलोचना। हो गई सीता उर्मिला, मैं अकेली रह गई इसलिए तुमने मेरे पति को मार दिया, अन्यथा तुम मार नहीं पाती। जामवंत कहने लगा, जरा देखो हंसता है ये, एकदम से मुंह पे मुंह धर के बोली, हे प्रभु हे प्राणेश्वर, तुम सर्वदा मुस्कुराते रहे लेकिन आज अभागिन को देख के मुस्कुरा नहीं रहे हो। जब मारे शीश ने सुनी दुख भरी बानी, हंस गयो असुर को शीश नार हरसानी। महाराज देख के शर्माई है कपिराज, कहे सिलोचना नार हमारी पिया ने राख लैलाज। सिलोचना की गोद में शीश हंस गया और जो शीश हंसा, हंसो असुर को शीश देख के किस भय भय खाई, साची पतिव्रता नारी सिलोचन भाई। महाराज शीश कैसे हंसा, कपियों ने पूछा। भगवान कहने लगे, सत की गति अपरंपार नहीं कोई पायो, सत सिलोचना ने साध की शीश हंसायो। महाराज राम की महिमा दई दिखाए और बिना जीव अरे भुजा लिखत है सब दो दियो बताई। याद रखना दोस्तों, एकदम से भगवान कहने लगे कि हे कपियो, ये सब भगवान की असीम महिमा है, अपनी मेहमान न बता करके किसी और की तरफ संकेत करते हैं। इस तरह से आज मरा हुआ सर मेघनाथ का हंसा और भक्तों अब सर को रखकर अपने ससुर विभीषण को प्रणाम करके और राम को प्रणाम करके ये चली है। मनई मन हरसाई शीश को पाए सिलोचना नारी, मुख मोली अमृत बेन ने न भरे बारी। प्रभु तुम्हें धन्य है, अरे शीश भुजागे गोद मनायो मोद लाश उठवाई, पलकी में धरी समार समुद्र पे आई। दोस्तों समुद्र पे लाश को लेकर के आई और जिस समय ये सती होने के लिए तैयार हुई तो रावण और सारा परिवार आ गया। सिलोचना कहने लगी, ससुर जी मैं लाश भी ले आई सर भी ले आई,
अब सिर्फ चंदन की चिता बना दीजिए। भक्तो एकदम से जो हुक्म दिया रावण ने के जाइए चंदन की लकड़ी और नारियल वगैरह सब लाइए, बहु सती होने जा रही है। दोस्तों सब सामान आ गया, आज्ञा पाते पाते और जिस समय पति की लाश इसने अपने घुटनों पर रखी है चिता में, उस समय मंदोदरी आ गई और अपनी बहु से लिपट के रोने लगी। धन्य धन्य सब कहे नैन जल भरे रोए रही भारी, सब ठारी बूढ़ी तरुण उमर की बारी। रावण को दे दोष खाई के रोस सुनाई रही गारी, जानकी ओ पाप तो मोले अकल गई मारी। जितने भी लंका के निवासी हैं दोस्तों सब रावण को गालियां देने लगे कि जब पापी ने जब लंका का सत्यानाश कर दिया। दोस्तों मंदोदरी रोए के बोली, बहू छोड़ चली मुझे। आंखों में आंसू भर के सिलोचना बोली, सास मोपे जो कछु गलती बनी माफ कर दीजो। इतने जो बचन सुने गाय की तरह मन को तो डकराने लगी। रोए रोए के बानी कई धन्य बहु रानी, है होनहार बलवान जाति नहीं जानी। मेरी बहु जन्म लेने को ये ही सार, अरे जो क्यों पर लोक लिए तूने सबई लोक समार। धन्य हो बहु। मंदोदरी कहने लगी, तूने दोनों ही लोकों को समार लिया। और दोस्तों सुन सासुन की बात सती को गातू मगिया ही हो, पतपन में सुर को ध्यान नार मन की हो। सबको करी प्रणाम सुमिर श्री राम रे जगत असली हो, सत बल से मांग आगी देखिए से आग लगाई के त्याग दो ही हो। अरे गई आग चिता घेरानी और अंबर में लपट समानी, अरे पति के संग गई है दीवानी और सुरपुर में पहुंच गई भवानी। समझा के महाराज नार ने चोला त्याग दियो, नारद जी ढोलक पर रोए जन फाटन लगो ही हो। महाराज भाग रावण के फूट गए और कायम सिंह के हाथ दुख में घुंघरू छूट गए। घड़ा पे राम शरण रोए रे, घड़ा पे राम शरण रोए और ब्रजेश मदीरा छोड़ के जाने कौन से गम में खोए। सुनाई दई
खंड खंड भगवान की।